हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरुणास किचन। आज हम बनाएंगे जुवार की धाणी का चूड़ा। जुवार की धाणी जिसको पफ सोरगम भी कहते हैं, जुवार के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही है। और ये जो चूड़ा हम बनाएंगे वो बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे, तो आप इसे डाइट चूड़ा भी कह सकते हैं। तो चलिए हेल्दी ऐसे चूड़ा बनाने के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। जुवार की धाणी, पफ सोरगम, भुने हुए चने की दाल, दालिया, पीनट, मूंगफली, जीरा, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, हींग, हल्दी, सॉल्ट, ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता, ड्राई कोकोनट ऑयल। चलिए बना लेते हैं जुवार की धाणी का चिवड़ा। एक पेन लिए, फ्लेम ऑन किया, स्लो फ्लेम रखा है। जुवार की धाणी ऐड करेंगे, इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा सेक लेंगे जिससे ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पे कंटिन्यूस हिलाते हिलाते मैंने ये धाणे को सेक लिया है। अभी ये धाणे एकदम क्रिस्पी हो गई है, फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको बाउल में निकाल लेंगे। एक पैन लिया है, ऑयल डाला है और जो हल्का सा गर्म हो गया है जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा क्रेकल होने देंगे। जीरा क्रैकल हो गया है, ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता हिला लेंगे। डालिया, पीनट मिक्स कर लेंगे, स्लो फ्लेम पे इसको सेक लेंगे। कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे। इसमें अगर आपको डालने हैं तो काजू के टुकड़े भी आप डाल सकते हैं। हल्का सा कलर चेंज हो तब तक हम इसे सेक लेंगे। सारी चीजों को हल्का सा रोस्ट कर लिए, कोकोनट डालेंगे, वापस सेक लेंगे। सारी चीजों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, इसकी बहुत ही सेकने की अच्छी अरोमा आ रही है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हुआ है। चलिए अभी इसमें मसाले कर लेते हैं। हींग, रेड चिली पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, सॉल्ट। मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। धाणे डालेंगे, मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को अच्छे से। मैंने ये चिवड़ा डाइट के पर्पज से बनाया है तो इसमें शुगर नहीं डाली है, लेकिन अगर आप चाहे तो पिसी हुई शुगर डाल सकते हैं। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, हमारी जुवार की धाणी का चिवड़ा प्रिपेयर हो गया है। फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेडी है जुवार की धाणी का चिवड़ा। ये चिवड़ा बनाते वक्त ध्यान रखने जैसी बात कि हमने जो ग्रीन चिली और कड़ी पत्ता डाला है वो अच्छे से क्रिस्प होना चाहिए। तो ये चिवड़े को हम 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर अच्छे से फ्राई नहीं हुए रहेंगे तो हमारा चिवड़ा तुरंत ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो रेडी है जुवार की धाणी का चिवड़ा। तो फ्रेंड्स, एकदम चटपटा और टेस्टी ऐसा हमारा जुवार की धाणी का चिवड़ा प्रिपेयर हो गया है। ये चिवड़ा एकदम फटाफट बन जाता है और छोटे बड़े सबको ये चिवड़ा बहुत ही पसंद आएगा। बच्चे बाहर के पैकेट के कुरकुरे और पेपी जैसी चीजें खाते हैं, लेकिन उनको इस तरह का चटपटा चूड़ा बना के देंगे तो वो भी इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हेल्दी ऐसा जुवार की धाणी का चूड़ा आप भी जरूर बनाना, आपके रिव्यूज मुझे जरूर बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।